वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने OSI रेफरेंस मॉडल का स्टडी स्टार्ट किया था। उसमें हमने जो अलग अलग लेयर्स है उसका हमने आर्किटेक्चर लिया था OSI मॉडल का। सो OSI मॉडल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स, ठीक है। सो लोएस्ट लेवल लेयर इज़ अ फिजिकल लेयर एंड टॉप मोस्ट लेयर इज़ अ एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो उसका हमने डिटेल फंक्शनिंग लिया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने टोटल 4 लेयर्स कंप्लीट किए थे, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम साइड, ठीक है। तो आज जो बचे 3 लेयर, ठीक है, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे एंड उसके बाद हम सब लेयर्स का अगेन एक बार टोटल ओवरव्यू लेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजिकल लेयर टू द एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लेंगे OSI रेफरेंस मॉडल के एंड उसके बाद एक सिंपल एग्जांपल लेंगे हाउ OSI मॉडल विल बी यूज फॉर डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर। तो ये सब चीज़ें हम आज के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल लेयर एंड उसके फंक्शनिंग देखा था। उसके बाद सेकंड जो लेयर है OSI रेफरेंस मॉडल का वो डेटा लिंक लेयर है, उसका हमने डिटेल में फंक्शन पढ़ा था। थर्ड लेयर है हमारा नेटवर्क लेयर, उसके हमने फंक्शनिंग ली है एंड फोर्थ वन इज़ द ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, एंड उसके हमने फंक्शनिंग कंप्लीट किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने टोटल 4 लेयर का डिटेल स्टडी किया था, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम 5, 6 एंड 7 सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर का डिटेल स्टडी करेंगे एंड उसके फंक्शनिंग देखेंगे, ठीक है। तो फिफ्थ वन जो लेयर है OSI रेफरेंस मॉडल का वो है सेशन लेयर, ठीक है। तो सेशन लेयर के फंक्शंस इस तरह से टू मैनेज एंड सिंक्रोनाइज कन्वर्जन बिटवीन टू सिस्टम, ठीक है। मीन्स जो मैनेजिंग पार्ट है एंड सिंक्रोनाइजेशन है बिटवीन टू सिस्टम, मीन्स सपोज ए इज़ अ वन सिस्टम, मीन्स ए कंप्यूटर इज़ वन सिस्टम, ओके, एंड सेकंड वन इज़ द बी सिस्टम और बी कंप्यूटर। सो कंप्यूटर ए वांट्स टू सेंड सम डेटा और फाइल टू द कंप्यूटर बी, ओके। सो फर्स्ट द सिंक्रोनाइजेशन और बिट सिंक्रोनाइजेशन विल बी हैपन बिटवीन योर कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल डेटा ट्रांसफर, ठीक है। अगेन इट कंट्रोल्स द लॉग ऑन एंड लॉग ऑफ, ठीक है। तो जैसे हम कुछ साइट्स में जैसे लॉग इन एंड लॉग आउट करते हैं, जैसे अगर आप जीमेल यूज़ कर रहे हो तो आप साइन अप एंड साइन इन कर रहे हो, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें भी जो लॉग इन होगा डेटा ट्रांसफर के लिए एंड आफ्टर डेटा ट्रांसफरेशन इज कम्प्लीट, सपोज ए वॉन्ट्स टू सेंड अ फाइल टू द बी, एट दैट टाइम इट विल लॉग इन फ्रॉम ए टू बी एंड आफ्टर द डेटा कम्प्लीशन विल बी हैपन, एट दैट टाइम द कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी विल बी ब्रेक, ओके। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ लॉग ऑफ। तो ये जो लॉग इन एंड लॉग ऑफ है ये काम करेगा आपका सेशन लेयर, क्योंकि उसके नाम में ही है सेशन, ठीक है। तो जब भी कोई कंप्यूटर या एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र करेगा तो उसके बीच क्या प्रेजेंट होगा, सेशन, ठीक है। तो जितने टाइम वो सेशन चलेगा, ठीक है, सपोज 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना डेटा ट्रांसफ़र करना है, सो उतने सेशन तक जो भी कम्युनिकेशन है बिटवीन ए कंप्यूटर एंड बी कंप्यूटर या जो भी कंप्यूटर डेटा सेंड कर रहे हैं अनदर नेटवर्क में, तो उसके बीच सेशन मेंटेन होगा, ठीक है। तो सेशन में जो सिंक्रोनाइजेशन होगा, मैनेजिंग पार्ट होगा, ठीक है, लॉग इन लॉग ऑफ, ठीक है, तो ये सब काम सेशन लेयर करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है यूज़र आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अभी एक को डेटा सेंड करना है बी को, ठीक है, तो ए कंप्यूटर आइडेंटिफाई होने चाहिए आपका बी कंप्यूटर से, ठीक है, क्योंकि ए को सेंड करना है डेटा बी को, हो सकता है बी को डेटा सेंड करना है सी कंप्यूटर को, तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। नहीं तो ऐसे नहीं कि अगर ए को डेटा सेंड करना है बी को एंड वो डेटा चले जाएगा सी के पास, सो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो जो इंटेंडेड यूज़र है जिसको डेटा सेंड करना है, डेटा उसी कंप्यूटर को या उसी नेटवर्क में रिसीव होना चाहिए, तो यूज़र आइडेंटिफिकेशन का काम भी आपका सेशन लेयर परफॉर्म करेगा, ठीक है।
एंड लास्ट वन में वो सेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैंने वही पूछा, आप बोला आपको कि सेशन जो है, जो सेशन दोनों कंप्यूटर में या दोनों नेटवर्क के बीच बनेगा, तो वो सेशन को मेंटेन या मैनेज करने का टोटल जो फंक्शन है वो परफॉर्म होगा बाय यूजिंग सेशन लेयर इन OSI रेफरेंस मॉडल, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस दैट कैन बी अ मैनेज बाय योर सेशन लेयर एंड इट्स लेवल विल बी अ फिप इन OSI रेफरेंस मॉडल। सो देन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेयर। सो सिक्स लेयर इज द प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। इट वर्क्स एज अ ट्रांसलेटिंग लेयर, ठीक है। सो प्रेजेंटेशन लेयर विल बी वर्क एज अ ट्रांसलेशन, मीन्स जो लोअर लेवल का जो लेयर है एंड अपर साइड का जो लेयर है उसके बीच में वो ट्रांसलेशन करने का काम करेगा। मीन्स यहाँ पे अगर सेशन लेयर टॉप साइड में, लोएस्ट लेवल में आपका एप्लीकेशन लेयर है, तो इन दोनों को मैनेज करने का काम आपका प्रेजेंटेशन लेयर करेगा, बिकॉज द प्रेजेंटेशन लेयर विल बी इन बिटवीन सेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। सो दैट इज़ अ ट्रांसलेशनल पार्ट, ठीक है। इसका डिटेल व्यू हम आगे चल के लेंगे प्रेजेंटेशन लेयर का, ठीक है। एंड सेवन मोस्ट लेयर दैट इज़ अ टॉपेस्ट लेवल लेयर इन द OSI रेफरेंस मॉडल इज़ अ एप्लीकेशन लेयर, ओके। सो द फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर विल बी अ रीट्रांसमिटिंग फाइल्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉग इन, पासवर्ड चेकिंग, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर में रीट्रांसफरिंग होगा फाइल्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जो भी फाइल्स होगा उसका इंफॉर्मेशन वो सेंड करेगा बिटवीन नेटवर्क। उसके बाद लॉगिन प्रोवाइड करने का काम भी एप्लीकेशन लेयर करेगा। जैसे अगर आप जीमेल लॉगिन कर रहे हो, तो जीमेल के लिए आप जीमेल का साइट यूज़ कर रहे हो, ओके। सो दैट इज़ अ एप्लीकेशन, तो ये एक एप्लीकेशन हो गया वेब ब्राउज़र पे, जो जीमेल का फ्रंट एंड डिज़ाइन है, ठीक है। जहाँ पे आप साइन इन कर रहे हो, साइन अप कर रहे हो, मीन्स लॉग इन कर रहे हो आप बाय पुटिंग योर मेल आईडी एंड पासवर्ड, सो दैट इज़ अ फ्रंट एंड फॉर द जीमेल। सो दैट इज़ अ एप्लीकेशन, दैट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द जीमेल गूगल, ओके। सेम फॉर यूट्यूब, यूट्यूब में अगर आप साइन इन कर रहे हो यूजिंग मेल आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। सो दैट इज़ द फ्रंट एंड और द एप्लीकेशन ऑफ द यूट्यूब, जो पोर्टल आप यूज़ कर रहे हो, सो दैट इज़ अ एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर का काम यही है, लॉग इन एंड पासवर्ड चेक करना, ठीक है। मीन जो पर्टिकुलर यूज़र है, ठीक है, तो वही लॉग इन कर पाएगा इन द एप्लीकेशन लेयर। तो ये काम जो है वो एप्लीकेशन लेयर का है। तो इस तरह से ये टोटल सेवन लेयर है OSI रेफरेंस मॉडल में, ठीक है। सो दीज आर द मेन सेवन लेयर्स, ठीक है। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इसका लिस्ट बनाना है सबसे पहले, उसके बाद जो डायग्राम हमने लास्ट लेक्चर में लिया था उस तरह से लेयर्स का प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। एंड वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट लेवल लेयर फिजिकल टू द एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो अब इसके बाद हम एक छोटा रिव्यू ले लेते हैं सब लेयर्स का, है। तो फर्स्ट लेवल जो लेयर का है वो है आपका लेयर वन, दैट इज़ अ फिजिकल लेयर, दैट इज़ अ लोएस्ट लेवल लेयर इन द OSI रेफरेंस मॉडल, ठीक है। तो उसका फर्स्ट फंक्शन है टू एक्टिवेट, मेंटेन एंड डीएक्टिवेट फिजिकल कनेक्शन, ठीक है। अगर कंप्यूटर ए को डेटा सेंड करना है कंप्यूटर बी को, सो एट दैट टाइम सबसे पहले क्या बनेगा, उनमें कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, फिजिकल कनेक्शन, ठीक है। सो ये जो फिजिकल कनेक्शन है ये एक्टिवेट, डीएक्टिव एंड मेंटेन करने का काम है आपका फिजिकल लेयर का। जब तक टोटल डेटा ए कंप्यूटर से बी कंप्यूटर में ट्रांसफ़र ना हो जाए, तब तक ये सेशन मेंटेन रहने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट कैन बी परफॉर्म बाय योर फिजिकल लेयर। सेकंड, टू डिफाइन वोल्टेजेस एंड डेटा रेट नीडेड फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर को जो डेटा ट्रांसफ़र करेगा तो उसका जो स्पीड है वो मैच होना चाहिए बी कंप्यूटर से, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। तो ए कंप्यूटर फास्टर डेटा सेंड कर रहा है एंड बी कंप्यूटर इज स्लोअर टू एक्सेप्ट दैट डेटा, सो एट दैट टाइम एरर विल बी हैपन बिटवीन ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, ठीक है। सो ये क्या होगा, उसकी वजह से कोलैप्स हो जाएगा डेटा, तो ये मेंटेन करने का काम भी फिजिकल लेयर का है। थर्ड, टू कन्वर्ट डिजिटल डेटा बिट्स इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि डिजिटल डेटा को हमें हम लॉन्ग डिस्टेंस पे
ट्रैवल नहीं करा सकते या ट्रांसमिशन नहीं करा सकते, क्योंकि उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसलिए हमने क्या करते, ट्रांसमीटर पार्ट में हम डिजिटल डेटा को मीन्स योर स्क्वायर वेव इन द फॉर्म्स ऑफ वंस एंड जीरो विल कन्वर्ट इट इनटू द एनालॉग सिग्नल, ठीक है, दैट इज सिंपली अ साइन वेव इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो ये ट्रांसमीटर हमारा कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, एंड दैट एनालॉग सिग्नल विल बी ट्रांसफर थ्रू द मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया दैट कैन बी अ वायर्ड और वायरलेस, ओके। तो ये जो कन्वर्जन है ये भी फंक्शन है फिजिकल लेयर का, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है टू डिसाइड वेदर ट्रांसमिशन इज सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये कवर किया था कि किस तरह से ट्रांसमिशन होगा, ठीक है, वन वे, टू वे एंड बोथ वे, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन है फिजिकल लेयर का। देन उसके बाद फिजिकल लेयर क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता है, तो उसका एक लिस्ट किया नीचे। इट डज नॉट डिटेक्ट एरर एंड करेक्ट एरर, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का जो वर्क है या फंक्शन है वो फिजिकल लेयर का फंक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इट डज नॉट डिसाइड द मीडियम और मॉड्यूलेशन। तो जो मीडियम यूज़ करना है ट्रांसमिशन के लिए, वेदर इज अ वायर्ड और वायरलेस, तो ये डिसाइड करने का फंक्शन भी फिजिकल लेयर का नहीं है। या उसमें जो मॉड्यूलेशन यूज़ होगा, ओके, डिजिटल पल्स कोड मॉड्यूलेशन यूज़ करना है, डेल्टा मॉड्यूलेशन यूज़ करना है, ठीक है, ये आगे चल के देखेंगे हम। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशंस है, तो कौन सा मॉड्यूलेशन यूज़ करेंगे, एनालॉग यूज़ करना है या डिजिटल यूज़ करना है, तो ये फंक्शन भी फिजिकल लेयर का नहीं है, ठीक है। तो कोई डिटेक्ट एरर डिटेक्ट एंड करेक्ट नहीं करेगा फिजिकल लेयर, एंड जो मीडियम यूज़ होगा और मॉड्यूलेशन यूज़ होगा फॉर ट्रांसमिशन, इट कैन नॉट बी अ डिसाइडेड बाय योर फिजिकल लेयर, ठीक है। सो दीज आर द मेन फंक्शन परफॉर्म बाय द फिजिकल लेयर। तो पेपर में आपको अगर ये OSI रेफरेंस मॉडल पे क्वेश्चन आएगा तो इसमें से जो मेन मेन फंक्शन है वो आपको लिखना है, ठीक है, थ्योरी में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट लेयर पे। सेकंड जो लेयर है वो हमारा DLL है, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर का फंक्शन इस तरह से है, इट विल गिव द सिंक्रोनाइजेशन एंड एरर कंट्रोल फॉर द इंफॉर्मेशन विच इज़ टू बी ट्रांसमिटेड ओवर अ फिजिकल लिंक। तो जो फिजिकल लिंक प्रोवाइड करेगा फिजिकल लेयर, ठीक है, तो उसमें से जो डेटा ट्रांसमिट होगा तो उसका सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, मीन सपोज ए कंप्यूटर इज़ द ट्रांसमीटर एंड बी कंप्यूटर इज़ द रिसीवर, RX मीन्स रिसीवर, ठीक है, एंड TX मीन्स ट्रांसमीटर, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से डिनोट होता है, ठीक है। तो इसमें जो सिंक्रोनाइजेशन होगा वो काम रहेगा डेटा लिंक लेयर का, एंड उसके बाद उसमें जो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म होगा तो वो भी टोटल मैनेज करेगा आपका डेटा लिंक लेयर, ठीक है। सेकंड फंक्शन इज टू अनेबल द एरर डिटेक्शन एंड इट एड्स एरर डिटेक्शन बिट्स टू द डेटा विच इज़ टू बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो एरर डिटेक्ट करने का काम डेटा लिंक लेयर का है, एंड उसके बाद एरर डिटेक्शन के लिए जो बिट्स ऐड होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एरर डिटेक्शन के लिए कुछ बिट्स हम डेटा के साथ ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे पेरिटी चेक, ठीक है, आगे चल के देखेंगे हम डिटेल में, आगे है आप लोगों को पेरिटी बिट्स। सो पेरिटी यूज़ होता है जनरली एरर डिटेक्शन के लिए, ठीक है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन पर्पज़ के लिए। तो डेटा के साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट्स सेंड होते हैं, बाइनरी डिजिट्स, सो दैट इज़ अ पेरिटी बिट्स। अब उनका काम सिर्फ एरर को डिटेक्ट करना है। अगर आपने ट्रांसमीटर से सपोज वन ट्रांसमिट किया है एंड ड्यू टू द नॉइस इफेक्ट, बिकॉज वो डेटा ट्रांसफर होगा थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम दैट कैन बी अ वायर्ड और वायरलेस, तो दोनों पे भी नॉइस का इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर वन का जीरो हो गया सो दैट विल बी अ रॉन्ग इन रिसीवर एंड, क्योंकि अगर वन सेंड कर रहे तो रिसीवर में आपको वन ही रिसीव होना चाहिए क्योंकि टोटल डिजिटल डेटा है, ठीक है। तो हम कुछ एक्स्ट्रा बिट सेंड करते हैं, उसके ज़रिए हम डिटेक्ट कर पाएंगे एरर एट द रिसीवर एंड, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ एरर डिटेक्शन, ठीक है। तो ये काम डेटा लिंक लेयर का है। थर्ड जो है वो द इनकोडेड डेटा इज देन पास थ्रू फिजिकल लेयर, जो डेटा इनकोड होगा बाइनरी डेटा दैट कैन बी अ पास थ्रू अ फिजिकल लेयर, ये भी फंक्शन है डेटा लिंक लेयर का। दीज एरर डिटेक्शन बिट्स आर यूज बाय डेटा लिंक लेयर
ऑन द अदर साइड टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स, ये ऑलरेडी हमारा डिस्कस हुआ है, जैसे प्रायोरिटी बिट्स वगैरह ऐड होते हैं, तो ये भी फंक्शन है डेटा लिंक लेयर का। एट दिस लेवल द आउटगोइंग मैसेज आर असेंबल इनटू फ्रेम्स एंड द सिस्टम वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट टू बी रिसीव आफ्टर एवरी फ्रेम ट्रांसमिटेड। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि ए कंप्यूटर वॉन्ट्स टू सेंड द डेटा टू द बी कंप्यूटर, एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स व्हेन ए सेंड्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि फ्रेम में डेटा जाता है, मिस अगर वो 4 बिट का है, सपोज 1010, सो दैट डेटा विल बी असेंबल इन टू द फ्रेम्स। ओके, 4 बिट का आपका एक फ्रेम हो गया, तो ये फ्रेम ट्रांसमिट होकर ए टू बी। ओके, तो जब ये फ्रेम यहाँ पे रिसीव होगा एट द रिसीवर एंड, ठीक है, तो क्या होगा, बी कंप्यूटर सेंड्स द एक्नॉलेजमेंट, ए सी के इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट दो तरीके से होता है, एक पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, तो अगर ये डेटा ए से बी में ट्रैवल हो जाएगा या सेंड हो जाएगा, तो अगर बी में अगर ये रिसीव हो गया एज इट इज़, जैसे 1010 डेटा आपने ट्रांसमिट किया था या फ्रेम ट्रांसमिट किया था आपने ए टू बी, अगर ये पॉजिटिवली रिसीव हो जाता है, तो यहाँ से बी कंप्यूटर से ए कंप्यूटर को पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट जाएगा कि जो फ्रेम फर्स्ट फ्रेम सेंड किया था दैट कैन बी अ रिसीव एट द बी सक्सेसफुली। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेगा, ए कंप्यूटर जो नेक्स्ट फ्रेम रहेगा सेकंड, दैट कैन बी ट्रांसमिट टू द बी, जैसे बी पे सेकंड फ्रेम रिसीव हो जाएगा सक्सेसफुली, अगेन बी कंप्यूटर सेंड्स द एक्नॉलेजमेंट टू द ए कंप्यूटर दैट सेकंड फ्रेम विल बी रिसीव सक्सेसफुली। ठीक है, अगेन ए कंप्यूटर देन सेंड्स द थर्ड सेम थर्ड फ्रेम सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से डेटा ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, अगर कोई फ्रेम यहाँ पे रिसीव नहीं होता है, ठीक है, देन सपोज सेकंड फ्रेम कंप्यूटर ए ने सेंड किया है कंप्यूटर बी को, एंड दैट कैन नॉट बी रिसीव एट द बी कंप्यूटर करेक्टली, सो एट दैट टाइम द कंप्यूटर बी विल सेंड अ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, NACK। ठीक है, मीन्स वॉट, उससे पता चलेगा कि जो सेकंड फ्रेम सेंड किया है कंप्यूटर ए ने, दैट कैन नॉट बी रिसीव करेक्टली एट द बी कंप्यूटर, सो क्या करेगा, ए कंप्यूटर विल रिसेंड द सेकंड फ्रेम अगेन। ठीक है, मीन्स वापस से वो सेकंड फ्रेम को रिसेंड करेगा बी कंप्यूटर को। ठीक है, तो इस तरह से एक्नॉलेजमेंट जो है वो सेंड करने का काम डेटा लिंक लेयर का है। ठीक है, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं SDLC, SDLC X25, ठीक है, दीज आर द प्रोटोकॉल यूज इन डेटा लिंक लेयर, तो उसमें से HDLC हमें डिटेल में पढ़ना है आने वाले यूनिट्स में। ठीक है, सो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर। ठीक है, विच इज़ द सेकंड मोस्ट लेयर इन द OSI रेफरेंस मॉडल। देन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेयर, थर्ड लेयर इज़ अ नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो अभी नेटवर्क लेयर के फंक्शन देखते हैं हम। फर्स्ट फंक्शन इज टू रूट द सिग्नल थ्रू वेरियस चैनल टू द अदर एंड। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था कि नेटवर्क लेयर में जो अलग अलग पाथ्स है और थ्रू वेरियस चैनल्स, सो डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड। हमने देखा था कि अगर एक नेटवर्क में अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स रहेंगे, ठीक है, सपोज ABCD, ठीक है, तो अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए हमारा या जो पाथ रहेगा डेटा ट्रांसमिशन का वो अलग रहेगा, क्योंकि सभी नेटवर्क्स में कनेक्ट है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। ठीक है, अगर ए को डेटा सेंड करना डी को, तो डायरेक्टली भी सेंड कर सकता है, या पाथ है ए टू बी देन बी टू डी, या ए टू सी देन सी टू डी। ठीक है, तो ये जो अलग अलग पाथ है ये डिसाइड करने का काम करेगा आपका नेटवर्क लेयर कि कौन से रूट से डेटा आपका ट्रांसमिट होगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, मीन्स एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक। ठीक है, सेकंड जो फंक्शन है टू एक्ट एज अ नेटवर्क कंट्रोलर बाय डीलिंग और डिसाइडिंग विद रूट डेटा शुड बी टेक। ठीक है, तो नेटवर्क कंट्रोल करने का काम भी करेगा, क्योंकि क्या है, एट अ टाइम नेटवर्क में ट्रैफिक भी होगा। ठीक है, क्योंकि अगर एट पर्टिकुलर टाइम बहुत सारे कंप्यूटर्स अगर डेटा सेंड कर रहे अलग अलग नेटवर्क में, ठीक है, थ्रू अ कॉमन पाथ, तो क्या होगा, एट दैट टाइम देर इज़ अ कंजंक्शन इन द नेटवर्क और ट्राफिक विल बी देयर,
सो एट दैट टाइम नेटवर्क लेयर विल कंट्रोल दैट ट्राफिक, ठीक है. सो दैट इज़ द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर. नेक्स्ट थर्ड फंक्शन इज टू डिवाइड द आउटगोइंग मैसेज इनटू पैकेट्स एंड असेंबल इनकमिंग पैकेट्स इनटू मैसेजेस फॉर द हायर लेवल, ठीक है. तो ये जो आउटगोइंग मैसेज है जो सेंड करने हैं, ठीक है, तो उसको वो पैकेट्स में कन्वर्ट करेगा. मीन जो डेटा है वो पैकेट फॉर्म में जाएगा. जैसे हमने फ्रेम लिया था, सो फ्रेम इज़ नथिंग बट द पैकेट्स, ओके. क्योंकि ये डिजिटल डेटा है, बाइनरी डेटा, तो ये पैकेट्स फॉर्म में ट्रांसमिट होगा एंड ये पैकेट्स ट्रैवल होंगे थ्रू डिफरेंट पाथ्स, ठीक है. मैंने अभी जैसे बताया कि ए वांट्स टू सेंड डेटा टू द डी, सो ए विल सेंड थ्रू बी देन गोज टू द डी. अगेन ए विल सेंड डेटा टू द सी एंड देन फ्रॉम सी टू डी. तो अगर एक फाइल में अलग अलग बहुत सारे पैकेट्स हो सकते हैं, ओके, देर आर नंबर ऑफ पैकेट्स, 100, 200, थाउजेंड्स ऑफ पैकेट इफ द फाइल साइज इज बिगर. सो एट दैट टाइम व्हाट हैपन, फर्स्ट पैकेट विल बी गो थ्रू सपोज फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू डी, सेकेंड पैकेट विल बी गो थ्रू डायरेक्टली ए टू डी, थर्ड पैकेट विल गो थ्रू ए टू सी एंड देन सी टू डी, ठीक है. बिकॉज देर आर डिफरेंट नेटवर्क पाथ्स आर पॉसिबल इन अ नेटवर्क, ओके. तो इस तरह से ये जो पैकेट्स है, इनकमिंग पैकेट्स, दैट कैन बी असेंबल एट द रिसीवर एंड, ठीक है. फिर यहाँ पे डी पे अगर ये पैकेट सब रिसीव होंगे, ठीक है, तो इनको असेंबल करने का काम भी नेटवर्क लेयर करेगा. मीन्स अगर फर्स्ट पहले आ गया, उसके बाद थर्ड पैकेट आया, उसके बाद सेकंड पैकेट रिसीव हुआ, तो इनको सीरियली लगाने का काम भी आपका नेटवर्क लेयर करेगा. मीन्स फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड, ठीक है. तो इस तरह से पूरा फाइल यहाँ पे रिकवर होगा एट द डेस्टिनेशन एंड. सो दैट इज़ द मेन फंक्शंस ऑफ नेटवर्क लेयर, ठीक है. तो पेपर में आपको ये सभी एज अ थेरी लिखना है. दीज आर द फंक्शंस ऑफ नेटवर्क लेयर, ठीक है. देन वी स्टार्ट विद द फोर्थ लेयर, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर. तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो फर्स्ट फंक्शन है, इट डिसाइड द डेटा ट्रांसमिशन शुड टेक प्लेस ऑन पैरेलल पाथ और सिंगल पाथ. तो डेटा ट्रांसमिशन जो होगा, दैट इज़ थ्रू अ सिंगल पाथ और पैरेलल पाथ. मीन्स पैरेलली भी डेटा सेंड कर सकते हैं, या कोई एक सिंगल पर्टिकुलर पाथ है, उस पाथ थ्रू जो डेटा सेंड करना है, तो ये काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है, ठीक है. सेकंड फंक्शन विल बी अ, इट डज नॉट फंक्शन सच एज मल्टीप्लेक्सिंग, स्प्लिटिंग एंड सेगमेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है. तो जो मल्टीप्लेक्सिंग है और स्प्लिटिंग है एंड सेगमेंटेशन है ऑन डेटा, ये भी एक वन ऑफ द फंक्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर का. मल्टीप्लेक्सिंग आपको पता है, मेनी टू वन, ठीक है. मीन्स नंबर ऑफ पैकेट्स या नंबर ऑफ डेटास होंगे तो उसको सिंगल इसमें कन्वर्ट करके सेंड करेगा मल्टीप्लेक्सिंग में. स्प्लिटिंग में क्या करेगा, एक पैकेट है उसको स्प्लिट कर देगा अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में जहाँ ज़रूरत है, ठीक है. वेन एवर इट इज़ नीडेड टू स्प्लिट द पैकेट, इफ़ द पैकेट साइज इज़ बिगर देन इट विल स्प्लिट इन टू द स्मॉलर पैकेट्स. सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड. नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट लेयर गारंटीज ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन एंड टू द अदर, ठीक है. तो उसके नाम में ही मीनिंग है ट्रांसपोर्ट, ठीक है. मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है. तो ये क्या करेगा, इट विल गारंटीज द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ठीक है. मीन्स गारंटेड डेटा को ट्रांसमिट कर देगा आपका एक एंड से दूसरे एंड तक. मीन्स फ्रॉम सोर्स कंप्यूटर टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर. इट ब्रेक्स द डेटा ग्रुप्स इन टू स्मॉलर यूनिट सो दैट दे कैन हैंडल मोर इफिशियंटली बाय द नेटवर्क लेयर, ठीक है. तो जो बड़े पैकेट्स रहेंगे या फ्रेम्स रहेंगे, दैट फ्रेम्स कैन बी कन्वर्टेड इन टू द स्मॉलर फ्रेम्स और पैकेट्स सो दैट नेटवर्क लेयर कैन हैंडल दैट डेटा इफिशियंटली, ठीक है. सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर. देन अगेन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेयर, दैट इज फिफ्थ लेयर इज अ सेशन लेयर, ठीक है. सो द सेशन लेयर मैनेजेस एंड सिंक्रोनाइजेशन कन्वर्जेशन बिटवीन टू डिफरेंट एप्लीकेशन, ठीक है. तो दो डिफरेंट एप्लीकेशन को मैनेज करना एंड उसको सिंक्रोनाइज करना, बिट्स को सिंक्रोनाइज करना, तो ये काम सेशन लेयर का है. दिस इज़ द लेवल एट विच द यूज़र विल एस्टेब्लिश सिस्टम टू सिस्टम कनेक्शन. तो इसी लेयर में यूज़र जो इंटरेक्ट होता है सिस्टम कनेक्शन के थ्रू, ठीक है. सेशन, जैसे आप अगर गूगल को लॉग इन कर रहे हो,
साइन इन कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे एक सेशन मेंटेन हो रहा है बिटवीन यूज़र एंड द गूगल या जीमेल, ठीक है। तो जब तक आप उस पे काम कर रहे हैं, ओके, तब तक ये सेशन मेंटेन रहेगा। वहाँ पे भी टाइमर होता है, मीन्स आप जब तक उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सपोज़ 1 आवर, 2 आवर, ठीक है, अगर आप उसको लॉग आउट करना अगर भूल गए, ठीक है, तो वो अपने आप जैसे ही सेशन ब्रेक होगा, ठीक है, तो वो अपने आप लॉग आउट कर देगा, ठीक है। तो ये काम जो है वो सेशन लेयर का है। देन इट कंट्रोल्स द लॉग ऑन एंड ऑफ, यूज़र आइडेंटिफिकेशन, बिलिंग एंड सेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये भी फंक्शन है सेशन लेयर के, मीन्स लॉग ऑन करना एंड लॉग ऑफ करना, ठीक है। उसके बाद यूज़र को आइडेंटिफाई करना, जैसे आप आईडी पासवर्ड पुटअप करते हो सिस्टम में, तो उनके पास जो डेटाबेस है उसमें वो मैच होता है कि आप वही यूज़र हो, ठीक है। तो अगर वो आइडेंटिफाई होगा तो ही आपका सेशन मेंटेन होगा या लॉग इन होगा, ठीक है। अगर आप आईडी या पासवर्ड दोनों में से कोई भी एक चीज़ गलत डालते हो, ठीक है, तो आपका यूज़र आइडेंटिफिकेशन फेल हो जाएगा। सो इन दैट केस जो लॉग इन है आपका वो लॉग इन हो नहीं पाएगा एंड दैट सेशन विल बी ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ये सब फंक्शन से सेशन लेयर के, ठीक है। अगेन नेक्स्ट फंक्शन इज इन ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। सेशन लेयर स्ट्रीम्स ऑफ डेटा आर मार्क एंड रिसिंक्रोनाइज प्रॉपरली सो दैट एट द एंड ऑफ मैसेज आर नॉट परमानेंटली एंड डेटा लॉस इज अवॉइडेड, ठीक है। तो जो डेटा ट्रांसमिशन का काम है, तो ये डेटा ट्रांसमिशन का काम भी थ्रू सेशन लेयर होगा, मीन्स जो सिंक्रोनाइजेशन है या रिसिंक्रोनाइजेशन है, तो ये भी आपका सेशन लेयर का काम है फ्रॉम एंड टू एंड, फ्रॉम मीन्स योर फिजिकल लेयर, देन नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो इसके थ्रू जो सेशन मेंटेन होगा या डेटा ट्रांसमिशन होगा फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर, तो ये भी वर्क है आपका सेशन लेयर का। सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ सेशन लेयर। देन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेयर। नेक्स्ट लेयर इज अ सिक्स लेयर, दैट इज अ प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। द प्रेजेंटेशन लेयर मेक्स इट श्योर दैट इंफॉर्मेशन इज डिलीवर इन सच फॉर्म दैट द रिसीविंग सिस्टम विल अंडरस्टैंड एंड यूज इट, ठीक है। तो उसका नाम ही प्रेजेंट, ठीक है, तो मीन्स प्रेजेंट करेगा, ठीक है, मीन्स जो डेटा या जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर्ड होगा फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीविंग कंप्यूटर, ठीक है, तो उसको जो अंडरस्टैंड है मीन्स प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जो रहेगा वो करेगा आपका प्रेजेंटेशन लेयर। मीन्स आपको जो रिसीविंग कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड कर सके जो डेटा रिसीव हुआ है, तो ये मेन वर्क है प्रेजेंटेशन लेयर का, ठीक है। सेकंड फंक्शन जो है, द फॉर्म एंड सिंटैक्स दैट इज लैंग्वेज ऑफ टू कम्युनिकेटिंग सिस्टम कैन बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल वन सिस्टम इज यूजिंग आस्की कोड, ठीक है, फॉर द फाइल ट्रांसफर एंड अनदर यूज EBCDIC, ठीक है। तो ये अलग अलग कोड्स है, ठीक है, आस्की कोड आपने डिजिटल में पढ़ा होगा एंड EBCDIC, ठीक है। सो दीज आर द वेटेड कोड्स, ठीक है। तो अगर एक सिस्टम, सपोज एक कंप्यूटर विल वर्क ऑन योर आस्की कोड, दैट इज ASCII सेकंड, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, एंड बी कंप्यूटर विल वर्क ऑन EBCDIC, ठीक है। सो एट दैट टाइम ए कंप्यूटर जो डेटा सेंड करेगा, आस्की कोड अलग फॉर्मेट में, EBCDIC कोड जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट में, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, जो आस्की कोड है उसको प्रेजेंट करा देगा आपका, कन्वर्ट कर देगा EBCDIC में, ठीक है। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसलेशन का काम करेगा बिटवीन दिस टू कंप्यूटर्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिंटैक्स होगा या जो अलग अलग फॉर्मेशन है कोड का, तो उसको प्रेजेंट करने का काम आपका प्रेजेंटेशन लेयर करेगा। मीन्स डेटा इफिशियंटली ट्रांसफ़र हो एंड वो अंडरस्टैंड भी हो जिसको वो सेंड किया गया है एट द रिसीविंग एंड, ठीक है। सो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। देन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेयर। सो लेयर 7 इज द एप्लीकेशन लेयर, विच इज़ द टॉप मोस्ट लेयर इन OSI रेफरेंस मॉडल, ओके। इट्स मेन फंक्शन आर लॉग इन और पासवर्ड चेकिंग एंड ऑल्सो परफॉर्म बाय द
दिस फंक्शन आर ऑल्सो परफॉर्म बाय द एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो इसमें जो लॉगिन होगा यूज़र का एंड पासवर्ड चेकिंग वाला जो पार्ट रहेगा मेन एप्लीकेशन विंडो में, तो ये सब चेकिंग का काम या फंक्शन है जो परफॉर्म करेगा आपका एप्लीकेशन लेयर। ओके, सो दिस इज़ द मेन फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन लेयर। ओके, सो दीज आर द मेन सेवन लेयर्स ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। तो हमने पहले उसका लिस्ट देखा, शॉर्ट में फंक्शंस देखे, एंड उसके बाद हमने डिटेल व्यू लिया फॉर ईच ऑफ द लेयर। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही वाइंड अप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल कवर करेंगे, एंड उसका हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे हाउ द OSI रेफरेंस मॉडल इज़ यूज इन डेटा कम्युनिकेशन। ओके, एंड उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है TCP/IP रेफरेंस मॉडल, ठीक है, तो वो स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।